कराची कराची में 24 जुलाई को होने वाला बलदियाती इंतखाबात में सियासी जमातों में बड़ी गेमा गेमी शुरू। कराची सोरागो टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम फे के दरमियान एहतियात और मुश्तरका उम्मीदवार खड़े कर दिए। सोरागो टाउन इस सीटू में कॉर्नर मीटिंग में जिसमें जमीयत उलमाए इस्लाम फे के रहनमा मौलाना अब्दुल गयास और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनमा लाला अब्दुल रहीम शमसुद्दीन आयत खान नियमत खान अब्दुल शकूर नासर और नज़र खान के साथ साथ आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत की गई। सोरागो में UC2 में चेयरमैन अजी खुदाईदाद खान वाइस चेयरमैन शम्स खान अकाखेल ने कहा कि हम वो नहीं जो वादा करें छुप जाएं और मनजर आम से गायब हो जाएं, मगर हम इंशाल्लाह अगर मुंतखब हो गए तो आवाम के दरमियान रह कर आवाम की खिदमत करेंगे और कोशिश है कि हम आवाम को मायूस ना करें बल्कि खिदमत हमारा जज्बा है तो खिदमत ही करेंगे। हमारे इस UC में काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, वो हम हल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लाला रहीम ने कहा कि अगर हमारे उम्मीदवार कामयाब हो गए तो इस हलके में रिकॉर्ड काम करेंगे, क्योंकि पहले UC बहुत बड़ी थी, अब एक UC से 8 UC बन चुकी हैं, इसलिए अब मसले का हल करना इंतहाई आसान हो चुका है और जिसने हमें वोट दिया उनको हम कभी भी मायूस नहीं करेंगे, यही हमारा वादा है। यहाँ के पसमानदा इलाके के आवाम और आप सब से गुजारिश है कि 24 जुलाई को निकलो और तीर पर टप्पा लगाओ और हमारे उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। रिपोर्ट सनाउल्ला काकड़।